हेलो वीवर्स, मैं हूँ आलिया अख्तर और आज मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे शादियों में बनते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। बहुत ही जूसी और बहुत ही यम्मी ये चिकन बनता है, तो चलिए सीख लेते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन बनाते कैसे हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाने के लिए वीवर्स, मैंने यहाँ पर ये देखिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पर 2 kg चिकन लिया है जो कि विथ बोन है। चिकन के सारे बड़े पीसेस को मैंने इस तरह से कट मार्क लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से सारे कट मार्क मैंने लगा लिए हैं बीच बीच में, ताकि मसाला हमारा अच्छे से अंदर तक जाए और चिकन हमारा सॉफ्ट और जूसी बने और अच्छे से टेंडर भी हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छे से धो करके वो सुखा लिया है। तो अभी मुझे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कि इस तरह हैं। मैंने यहाँ पे 1 teaspoon कसूरी मेथी लिया है, 1 teaspoon रोस्टेड क्यूमिन पाउडर लिया है, 1 teaspoon यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है और यहाँ पे इसके साथ ही मैंने 1 teaspoon आमचूर पाउडर लिया है और ये हमारा अचारी गोश्त का मसाला होता है, अगर ये मैंने 1 teaspoon लिया है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है जो कि 1/2 teaspoon है। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और मसाले मैंने लिए हैं जो कि इस तरह हैं। 2 tablespoon मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, इसके साथ ही 2 tablespoon सूजी यानी कि जो रवा होता है वो लिया है और 2 tablespoon इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट ज़रूर डालें व्यूवर्स, इससे बहुत ही क्रिस्पी होता है चिकन हमारा। और कुछ और पाउडर मसाले लिए हैं व्यूवर्स जो कि इस तरह हैं। 1 teaspoon मैंने यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर लिया है, 1 teaspoon यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, इसके साथ ही 1 teaspoon मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 teaspoon मैंने यहाँ पे कश्मीरी पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो, और इसके साथ ही मैंने 1 teaspoon यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 teaspoon मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है। तो अभी इन सारे मसालों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे 3 से 4 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने। और 2 tablespoon मैंने यहाँ पे नमक लिया है जो कि मेरे टेस्ट के अनुसार है। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए हैं, इसके जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इस तरह से इसके सारे जूस अच्छे से डाल दें। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये लेमन जूस ऐड करने से चिकन हमारा, बिल्कुल ये शादियों में जैसे बनते हैं ना वैसे ये बनकर तैयार होंगे। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मुझे मिक्स कर देना है आपस में। इतने अच्छे से इसे मिक्स करना है कि एक एक बोटी में ये बहुत अच्छे से लग जाए सारे मसाले आपस में। और ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने चिकन को अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बॉल चेंज किया है, ये एक बड़ा सा बर्तन लिया है क्योंकि वो मिक्सिंग बॉल हमारा छोटा था, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था हाथों से, इसलिए मैंने बॉल को चेंज कर दिया, एक बड़े से बर्तन में अच्छे से मिक्स किया है। तो सारे मसालों को लगाकर मैं इसे ढक कर के इसे 5 से 6 घंटा के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जब आपको ओवरनाइट रखना हो मिक्स करके मसालों के साथ चिकन को, तो फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ 5 से 6 घंटे मैं इसे फ्रिज से बाहर ही रख रही हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी किस तरह से फ्राई करती हूँ चिकन। तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं व्यूवर्स, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अब मैंने कढ़ाई में एक तेल गर्म कर लिया है, अच्छे से हाइट पे तेल को अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अभी मैं धीरे धीरे इसमें चिकन डाल रही हूँ।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और इन्हेंस ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगा हमारा। अभी मुझे इसे बिल्कुल भी स्टेयर नहीं करना है, 3 से 4 मिनट जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसके साइड चेंज करूँगी। और इसके बीच बीच में मुझे चम्मच भी नहीं लगाना है, नहीं तो चिकन की कोटिंग निकल जाएगी। और अब चूँकि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं तो उस साइड के अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं इसके साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैं इसके एक्स्ट्रा क्रिस्पी किस तरह से करूँगी वो आप देखिएगा व्यूवर्स, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। ये देखिए सारे के सारे चिकन को मैं अच्छे से टर्न कर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और हमारा चिकन भी बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। तो चलिए अब मैं इस साइड को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ, इस साइड को भी मैं अच्छे से 7 से 8 मिनट तक ब्राउन करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसके साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए इतने टेंडर हो चुके हैं चिकन की खुद बखुद इसके पूरे चिकन अच्छे से। तो इस तरह से मैं सारे चिकन को अब स्ट्रेनर पर निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। ये एक्स्ट्रा ऑयल जो होते हैं वो निकल जाएंगे इस तरह से स्ट्रेनर पर निकालने से। तो अभी इसी तरह से मैं सारे चिकन को निकाल लूंगी और इसे लगभग 15 मिनट तक इस चिकन को ठंडा होने दूंगी तेल को, जब तक मैं वापस से हाई हीट कर लूंगी। हाई हीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इस चिकन को मुझे फिर से फ्राई करना होगा इसी ऑयल में। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चूँकि करना है मुझे चिकन तो मुझे फिर से फ्राई मैं करूँगी। तभी इसी प्रोसेस से मैं वापस से सारे चिकन जो हैं उसे फ्राई कर ले रही हूँ, जितने भी हमारे चिकन बचे हुए हैं उसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत ही जूसी और यम्मी ये चिकन हमारा बनकर तैयार होगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर। और अभी वापस से मैं इसमें फ्राई किए हुए चिकन डाल दिए हूँ इस गर्मा गर्म तेल में। तो अभी मुझे वापस से हाई फ्लेम करके लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा कुरकुरा और अच्छा क्रिस्पी बन जाए और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। चलिए मैं आपको इसे फ्राई करके डिश आउट करके दिखाती हूँ। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में मुझे सपोर्ट करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।